Edudos, welcome you friends. Keep supporting my channel Edudos. Friends, welcome to the YouTube channel Edudos. Friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं आप हमारी Edudos कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब को क्लिक करिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आपको एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहें. फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन, तभी आपको मेरे अपडेट्स मिल पाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक वो है फाइंड स्क्वेयर रूट इन सेकंड्स. आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट बिल्कुल सेकंड्स में निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो. तो चलिए हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 1 से 10 तक सभी के स्क्वेयर्स याद होने चाहिए. जैसे 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25 एंड 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर 64, 9 का स्क्वेयर 81 एंड 10 का स्क्वेयर 100. हमें ये सब याद होने चाहिए तभी ये ट्रिक हमारे लिए यूज़फुल होगी, और ये बहुत ही इजी है लर्न करने में, इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम इन्हें आसानी से लर्न भी कर सकते हैं. अभी हमें ये सब याद होने के बाद हम अपनी ट्रिक को आगे शुरू करने वाले हैं. तो चलिए हम अपनी ट्रिक को जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं. इस ट्रिक में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिस पर आपको हमेशा गौर करके रखना है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा देखेंगे तो आपके पास आधा ही नॉलेज होगी, और ये किसी ने सही कहा है कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी हार्मफुल. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इमेजिनरी कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो. मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 576. अब हमें क्या करना है, जो इसका लास्ट डिजिट है, जैसे कि इसका है 6, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होएगा हमने उस लास्ट डिजिट को लेना है. लास्ट डिजिट को लेने के बाद हम अपनी लिस्ट में चेक करेंगे कि वो लास्ट डिजिट सेम किस किस नंबर्स में है. तो हम जैसे कि लिस्ट में देख सकते हैं, एक तो 6 में 6 आ रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट डिजिट 6 है, 6 के अंदर 6 आ रहा है, और यहाँ पे 4 के अंदर लास्ट डिजिट जो है 16 का 6 आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं 4 एंड 6, जबकि जो इसका आंसर आएगा वो दो उनमें आएगा डिजिट में, 10s एंड 1s. तो इन दोनों में से कोई एक इसका 1s होएगा, क्योंकि जो इसका 1s है वो 6 है, और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी लिस्ट के अंदर सिर्फ 6 से दो ही एंड हो रहे हैं, 4 एंड 6 खुद. तो चलिए अब हमने इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को, इन दो नंबर्स को इग्नोर करना है, जो लास्ट के 2 नंबर्स है इसे अभी फ़िलहाल हम इग्नोर कर देंगे. इग्नोर करने के बाद हमने सिर्फ इस नंबर को लेना है 5, जो कि हमारा 5. अब इस नंबर को लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी लिस्ट में चेक करेंगे. देखिए यहाँ पे 5 किन किन के बीच में लाई करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में 5 लाई करते हैं. तो अब हम क्या करें कि जो हम उससे छोटा है, 5 से छोटा है 4, तो हम 4 ले लेंगे, हम यहाँ पे 4 ले लेंगे. 4 लेने के बाद हम देखते हैं 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 4 को ना लेकर 2 ही लेंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर हो उस नंबर को हमने लेना है. जो यहाँ पे जो इससे छोटा होगा उसके स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसको लेना है. तो इसका स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2. ये फिक्स है फ्रेंड, ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है, बहुत सारे क्या सभी क्वेश्चंस पे ट्रिक अप्लाई होती है, ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं हो सकती है. तो आप ध्यान से सुनिए, जो ये 5 है वो 5 से छोटा नंबर लेंगे जो इस टेबल में, हमारे टेबल में लाई करता हो. जैसे कि इसमें हमारा 4 लाई कर रहा है, तो हमने 4 लिया, 4 है 2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिजिट आएगा वो 2 आएगा. अब जो हमारी कन्फ्यूज़न थी 4 या 6 के बीच में, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम जो हमारा नंबर यहाँ पे आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर में +1 करके. फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखनी है, पहले हमने +1 करना है फिर आगे मल्टीप्लाई करनी है. 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 आया हमारा आंसर. अब हमें 6 का क्या करना है, जो यहाँ पे लास्ट डिजिट है, जो हम इस लास्ट डिजिट को अब कंसिडरेशन में ले रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो इस लास्ट डिजिट को कंसिडरेशन में ले रहे हैं. अब हमने देखना है जो ये लास्ट डिजिट है वो 6 से बड़ा है या नहीं. तो ये तो 6 से छोटा हुआ,
अगर वो 6 से बड़ा हो तो हम बड़े नंबर को कंसिडरेशन में लेते हैं, अगर 6 से छोटा हो तो छोटे नंबर को कंसिडरेशन में लेते हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह होता 6, इक्वल हो गए 6 6, तो हम बड़े नंबर को ही कंसिडरेशन में लेंगे। तो अब जैसे कि इसमें छोटा है तो इसमें हम छोटे नंबर को कंसिडरेशन में लेते हैं जो कि है 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 24। तो अगर हम इसको रफ कैलकुलेशन करके देखें 24 × 24, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 576 का हमने अंडर रूट निकाला था जो कि आया 24, तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके लिए सबसे बिगनिंग का स्टेप। अब इसके बाद जो हम स्टेप करने जा रहे हैं वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेप है, थोड़ा सा मॉडरेट स्टेप है, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा मॉडरेट स्टेप हम लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को। तो अब हम लेते हैं अगला सेकंड नंबर। हम इमेजिनरी हमने सेकंड नंबर कोई मर्जी ले लीजिए, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए हमने ले लिया 1369, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट हम अपनी लिस्ट में चेक करेंगे। हमारी लिस्ट में लास्ट डिजिट एक तो 3 पे आ रहा है और एक 7 पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो ये 2 डिजिट फॉर्म होंगे उनमें या तो 3 या 7 जो यहाँ पे फुलफिल करेगा। तो अब हम इन दोनों को भूल जाते हैं, इन दोनों को हमने इग्नोर करा क्योंकि हमारा इस लास्ट डिजिट का ही काम था और इतना हमने काम कर लिया है। तो अब 13 की बारी आती है, हम अपनी लिस्ट में चेक करते हैं 13 कहाँ कहाँ लाई करता है। 13 लाई करता है 9 और 16 के बीच में। तो यहाँ इससे छोटे वाले नंबर का स्क्वायर रूट, जो इससे छोटा 13 से छोटा क्या है 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, तो हम यहाँ पे लेंगे 3। ध्यान से देखिए, 13 से छोटा नंबर इस लिस्ट के अंदर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, 13 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको ले लेंगे 3 ले लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये 9 13 से छोटा है और उसका स्क्वायर रूट हमने लेना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 3। अब ये जो है 10th प्लेस हमें इसका मिल चुका है, अब हमें सिर्फ 1st प्लेस फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए आपने क्या करना है, जो नंबर हमारे पास आया है उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर में 1 प्लस करके। तो अब हम 1 प्लस करते हैं 4 × 3 = 12। अब हमने 12 और इसको देखना है 13 को, क्योंकि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। तो 13 और 12 जो है छोटा है 13 से, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर 12 छोटा हो तो हम छोटे नंबर को कंसिडरेशन में लेते हैं इन दोनों में से, अगर 12 बड़ा हो तो हम बड़े नंबर को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो आप देखिए हमारा आंसर आ रहा है 12, पर यहाँ जो हमारे को नंबर है वो 13 है जो कि 12 से बड़ा है। जब ये बड़ा है तो हम बड़े नंबर को कंसिडरेशन में लेंगे जो कि है 7, और मैंने आपको पहले बताया था अगर दो नंबर इक्वल हो जाए तो हम उसको इक्वल नंबर वाले को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो आएगा 37 हमारा आ गया। अगर हम रफ कैलकुलेशन करके देखें 37 × 7 = 9 4 7 3 = 21 and 259। यहाँ थोड़ी सी ये गलती हो गई है, हमने 37 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि हमने 37 का स्क्वायर निकाला तो 37 × 37 करना चाहिए। तो अब हम इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आता है 1369 जो कि हमने सॉल्व करके निकाला है 1369। देखिए आप इसका देख सकते हैं, इसका 37 ही एग्जैक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पार्ट सेकंड तक। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर हम उसे समझ ले तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। जो इसके लिए थोड़े से नए रूल अप्लाई हो रहे हैं, पर वो रूल बहुत ईजी हैं। तो चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हम लेते हैं कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर 9081, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। हम देख सकते हैं सबसे पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं जो कि है 1। अब हमें ये फाइंड आउट करना है हमारी लिस्ट के अंदर 1 कहाँ कहाँ आता है। ये 1 है, इसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल, इस 1 को हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 की और है, क्योंकि हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा ही आएगा ही आएगा। तो हम इस 1 को कभी भी कंसिडरेशन में लेते हैं, बस फ्यू केसेस होते हैं जिसमें हमें कंसिडरेशन में लेना होता है। तो हम इसमें लेते हैं 81, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे 9 आएगा,
यहाँ जैसे वन आ रहा है तो हम उसकी जगह सिर्फ नाइन में आ रहा है। पहले हमारे पास दो कंसेप्शन होते थे वन और टू, पर यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल ही वो हमारा यहाँ पे स्पेस फुलफिल कर देगा। अब इतना काम करने के बाद हम इन दोनों नंबर्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ लेंगे इन दोनों नंबर्स को। इन दोनों नंबर्स को लेने के बाद अब हमने क्या करना है, देखना है 90 किन किन के बीच में लाई करता है। 90 90 90 90, ये रहा 9 स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में 90 लाई करता है। तो हम उसे छोटे वाले नंबर का 81 है जो कि, उसका अंडर रूट ले लेते हैं। 81 अंडर रूट 81 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया एज इट इज़, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा आंसर निकल भी गया, 99 into 99। अगर हम करके देखें तो हमारा एग्जैक्टली आंसर आएगा। देखिए 9081 फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी। फ्रेंड्स ये कोई गलती नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इमेजिनेशन से ये नंबर लिया था। बाय चांस ये नंबर थोड़ा सा ये था नंबर, पर हमने बाय चांस इसको ये नंबर ले लिया था। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो अब हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, 9081। तो यहाँ पे 01 है एज इट इज़, यहाँ पे 9 आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद यहाँ पे 98 था, हम अपनी लिस्ट में चेक करते हैं 98 कहाँ लाई करता है। 98 भी वहीं लाई करता है 81 और 100 के बीच में। तो हम उसे छोटे नंबर का, हम उसके छोटे नंबर का अंडर रूट ले लेते हैं। उससे छोटा नंबर है 81 और उसका अंडर रूट है 9, एज इट इज़ इसका आंसर आ गया, जैसे कि हमारा यहाँ पे आंसर प्रूव भी हो रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट की गलत होने की वजह से हमारा आंसर नहीं निकल पाया था, और जिस वजह से हमारा आंसर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, कॉन्ट्रोवर्सी आ गई थी। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल चुका है, और ये इससे हमें पता लग जाता है कि हम कैसे जो स्क्वायर रूट हैं आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और बनाई हुई है आपके, जो बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेरे चैनल में विजिट ज़रूर करिए, आपको क्यूब रूट की अलग अलग वीडियोज़ मिलेंगी। और मैं ऐसे ही एक वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ, टॉपिक अगर जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था तो उसका कैसे निकाले, उनका आंसर आता है पॉइंट्स में, उनका कैसे निकाले फास्टली विदाउट एक्चुअली डिवीज़न। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।